नैनीताल में भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काली का अखाड़ा, शिव अखाड़ा, नासिक का बैंड, बग्घी पर भारत माता, गणेश, काली, तांडव, वाल्मीकि डोला सहित अन्य झांकियों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राहुल पुजारी ने वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास के रूप में पुनर्जन्म लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट।